गुड मॉर्निंग क्लास सेवन, दिस इज द थर्ड क्लिप ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम चैप्टर 16, द एटमॉस्फेयर। इन दिस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी रीड दिस टॉपिक्स, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर और स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट एंड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, विंड। फ्रॉम दिस एलिमेंट you have read temperature and pressures in previous clip, and the topic of this clip is the third element of weather and climate, wind, and next topic, moisture and humidity. So let's start this topic because it's very interesting for you, and you know about a great thing about our atmosphere. So let's start. Wind is the third elements of weather and climate. What is wind? Wind is the air in motion. हवा यदि motion में हो, गति में हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? Wind. अब ये wind जो है, ये हमारे चारों ओर है, और हम इसे कब feel करते हैं? जब हमारे अगल बगल में कोई वस्तु पे इसका effect पड़ता है, जो objects होता है, उस objects को एयर को से कंपैरिजन करते हैं, और तब पता चलता है कि हवाएं चल रही है। हवाएं अच्छी भी होती है कभी कभी, इसका मोशन इतना शांत होता है कि पता भी नहीं चलता, लेकिन कभी कभी इतना भी फास्ट होता है कि हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल नहीं सकते। तो ये जो हवा है, विंड का नाम, हम कैसे विंड का नाम देखते हैं? आप सुनते होंगे गाँव में कहा जाता है पुरवैया चलता है, पछिया चलता है, पछुआ चल रहा है, दक्षिण उतरंगा चल रहा है। तो ये क्या है, इसको कैसे समझेंगे, हवा का नाम कैसे पड़ा? तो हवा का नाम विंड, ए विंड इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। हवा का नाम उसके दिशा से पड़ता है, जिस दिशा से वो बहता है। जैसे सपोज यदि विंड नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, तो नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रहा है, इसलिए ये नॉर्थ विंड हो गया। ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो ईस्ट से ओरिजिनेट हो रहा है, इसलिए इसे ईस्ट विंड कहा जाता है। इसी तरह से जिस डायरेक्शन से निकला, उसी डायरेक्शन पे विंड का नाम रखा जाता है। तो पूरे वर्ल्ड में मेन रूप से तीन तरह के विंड चलते हैं, जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, परमानेंट विंड, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। व्हाट मीन्स परमानेंट विंड्स? The winds blowing almost in the same direction throughout the year are called prevailing or permanent winds. ऐसी हवाएं जो सालों भर एक ही दिशा में चलती हो, उसे prevailing या permanent winds भी कहा जाता है। और ये planet पे हमेशा होते हैं, किसी particular place में हमेशा ये चलते रहते हैं एक ही दिशा में। तो परमानेंट विंड्स के भी कुछ सब पार्ट्स है, जैसे ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ विंड्स इज सीजनल विंड्स। विंड्स विथ सीजनल चेंजेस इन देयर डायरेक्शन आर कॉल्ड सीजनल विंड्स। ऐसी हवाएं जो सीजन के समय में जिसका डायरेक्शन बदल जाता हो, उसे सीजनल विंड कहा जाता है। एग्जाम्पल फॉर मानसून विंड, इंडिया में जब चलती है मानसून के समय में हवाएं चलती है, बारिश के समय में, तो उसका दिशा एक नहीं होता है, वो कभी ईस्ट से, कभी वेस्ट से, कभी इस तरफ से, कभी उस तरफ से बहती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सीजन के आधार पे हवा बदल रही है, तो इसको सीजनल विंड्स कहा जाता है। तीसरा है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या है? दिस विंड्स ब्लो ओवर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। ऐसी हवाएं जो किसी पार्टिकुलर दिन या साल के किसी पार्टिकुलर महीने में बहता हो, उसे कहा जाता है लोकल विंड्स। अब लोकल विंड्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी नॉर्दर्न पार्ट में, गर्मी के समय में जो हवा चलती है, जिसे हम लू कहते हैं, लोकल विंड्स है। समुद्री इलाकों में लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जो होता है कोस्टल एरियाज में, वो भी लोकल विंड्स है। इस तरह से यूएसए में चीनूक है, स्विट्जरलैंड में फोहेन है, ये सब लोकल विंड्स का नाम है, जो पार्टिकुलर एरिया में पार्टिकुलर टाइम में चलते हैं। अब ये टॉपिक आपका कवर हो जाता है
टेम्परेचर प्रेशर और वेंट्स विच आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक मॉइस्चर एंड और ह्यूमिडिटी. दोनों का मतलब सेम होगा, दोनों का मतलब होता है नमी. क्या होता है मॉइस्चर, लेट्स कंसिडर अबाउट इट. ह्यूमिडिटी रिफर्स टू द कॉन्टेंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इन गैसेस फॉर्म एट ए पार्टिकुलर टाइम एंड प्लेस. ह्यूमिडिटी क्या है, हवा में वाटर वेपर जो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है किसी पार्टिकुलर टाइम में या किसी पार्टिकुलर जगह में, तो हवा में जो ये वाटर वेपर की जो मात्रा होती है उसी से उस हवा में या उस हवा को ही ह्यूमिडिटी का नाम दिया जाता है. अब यहाँ पे है कि ये जो ह्यूमिडिटी है इसमें पूरी तरह से वाटर वेपर भरा हुआ रहता है. तो जब पूरी तरह से वाटर वेपर भरता है ह्यूमिडिटी एयर में तो हम उसे ह्यूमिड डे भी कहते हैं. एंड इसका एक रीजन है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वाटर वेपर जो होगा वो इवेपोरेट उतना तेजी से होगा वाटर, और इवेपोरेट होगा तो हवा में वाटर वेपर की मात्रा भी ज्यादा बढ़ेगी. तो टेम्परेचर ज्यादा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा, टेम्परेचर कम तो ह्यूमिडिटी भी कम होगा. तो ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे आप देख रहे हैं दो तरह का, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो लेट्स स्टार्ट इट. व्हाट मीन्स इट, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इट रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ये क्या है, एयर में जो टोटल अमाउंट होता है वाटर वेपर का, एयर में वाटर वेपर का जो कुल मात्रा होता है उसी कुल मात्रा को उस ह्यूमिडिटी को कहा जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. और इसे मेजर कैसे किया जाता है, इसका यूनिट है ग्राम्स ऑफ वाटर पर क्यूबिक सेंटीमीटर. इसी तरह से जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये एक रेशियो है, इट रिफर्स टू द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ एयर एंड मैक्सिमम अमाउंट दैट माइट एग्जिस्ट विदाउट कंडेंसेशन एट ए सर्टेन टेम्परेचर. ये रेशियो है किसके बीच में, रेशियो है वाटर और एयर के बीच में, यानी हवा में पानी की मात्रा का, हवा और पानी की मात्रा का जो रेशियो होता है और उसके वजह से जो ह्यूमिडिटी क्रिएट होता है उसे कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. इस तरह से हम क्या देख लिए कि ह्यूमिडिटी जो है दो तरह के हुए, इसमें दो टॉपिक कवर किए. एंड इसमें दिया हुआ है एक सिचुएशन हवा का, सैचुरेटेड सिचुएशंस. ये कब होता है, द एयर इज सेड टू बी सैचुरेटेड व्हेन ए गिवन मास ऑफ इट कंटेन्स ऑल वाटर वेपर दैट इज कैपेबल टू होल्ड. मतलब हवा में जितना वाटर वेपर होल्ड करने की क्षमता है एंड वो उतना होल्ड कर सकता है, बट हवा में जब उस वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है होल्ड करने की तो उस पोजीशन में हवा को कहा जाता है सैचुरेटेड एयर. एंड इस स्थिति में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है सैचुरेटेड में, इसमें इस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट कहा जाता है. जैसा कि आप पेज नंबर 133 बुक में देख सकते हैं. इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक है प्रीसिपिटेशन, इट मीन्स रेनफॉल, जो तीन तरह के आगे पढ़ेंगे, कन्वेक्शनल है, उसके अलावा कन्वेक्शनल के अलावा और ओरोग्राफिक है एंड साइक्लोनिक रेनफॉल है. तो उस रेनफॉल को अगले लास्ट क्लिप में देखेंगे हम लोग. आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद.